नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जानसद मुजफ्फरनगर से चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन विषय के अंतर्गत आज के सेशन में हम ऑप्टिकल फाइबर स्ट्रक्चर का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पिछले सेशन में हमने क्वांटम नेचर ऑफ लाइट का अध्ययन किया था, जिसमें हम लाइट के नेचर का पूर्ण रूप से अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट और वेव नेचर ऑफ द लाइट, रे कॉन्सेप्ट, सब कुछ हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हमें, क्योंकि लाइट को प्रोपगेट करना है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, तो हमें ऑप्टिकल फाइबर के स्ट्रक्चर को जानना भी आवश्यक है। तो आज के सेशन में दोस्तों हम ऑप्टिकल फाइबर स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे। सो ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली इज नथिंग, इट्स अ डाइलेक्ट्रिक वेवगाइड विच वर्क्स ऑन ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी। पहली बात तो जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो एक डाइलेक्ट्रिक वेवगाइड होता है। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक नथिंग इज, इट इज़ बेसिकली अ पुअर कंडक्टर, जिसकी कंडक्टिविटी बहुत पुअर होती है, पुअर कंडक्टर होता है, या एक तरह से जस्ट लाइक अ इंसुलेटर होता है, विच वर्क्स ऑन द ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी। और ये जो काम करता है, इसमें जो भी हम लाइट का यूज करते हैं, तो वो ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, ऑप्टिकल लाइट डाइलेक्ट्रिक वेवगाइड। तो इट वर्क्स ऑन द ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी। ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी के लिए हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी रेंज का अध्ययन हमने पिछले सेशंस में किया था। तो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट ऑप्टिकल फाइबर इज मेड विद ग्लास और प्लास्टिक मटेरियल। जैसा कि हमने पूर्व के सेशनों में भी बताया था कि ऑप्टिकल फाइबर जो है वो या तो ग्लास से बना होता है या प्लास्टिक मटेरियल से हम इसे बनाते हैं। द लाइट कैन ट्रेवल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। क्योंकि जो हम ऑप्टिकल फाइबर जिस मटेरियल से बनाते हैं, चाहे वो ग्लास हो या प्लास्टिक हो, उनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसमें लाइट का जो प्रोपगेशन है, संचरण है, वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक हो सकता है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी को किसी इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर फ्लो कराने के लिए, करंट को फ्लो, जब किसी कंडक्टर में फ्लो होती है, तो उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से करंट उसमें लॉन्ग डिस्टेंस तक फ्लो होती है। तो उसी तरह से ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ के कारण वेवगाइड का संचरण होता है। ऑल्दो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्टिकल वेवगाइड स्ट्रक्चर इन द लिटरेचर, बट मोस्ट यूजफुल एंड एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर इज़ अ सिंगल सॉलिड डाइलेक्ट्रिक सिलेंडर। यानी कि हम अगर लिटरेचर में देखें तो ऑप्टिकल फाइबर के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स का अब तक अध्ययन हो चुका है, काफ़ी सारी ऑप्टिकल फाइबर स्ट्रक्चर डिज़ाइन हुए हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट यूज़फुल है और सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है वो है सिंगल सॉलिड। एक तो सिंगल है, सॉलिड फॉर्म में है, और डायलैक्ट्रिक सिंगल सॉलिड डायलैक्ट्रिक है, और एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में, यानी इसकी शेप जो है वो सिलेंड्रिकल शेप है। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सर्कुलर सॉलिड कोर इज N1 एंड द रेडियस इज a। तो जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है कोर की, क्योंकि जनरली ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है कोर। कोर के अंदर ही हमारी लाइट प्रोपगेट करती है। तो कोर जो होती है वो, हमने जैसे कहा कि ऑप्टिकल फाइबर में जो ऑप्टिकल फाइबर है वो आपका सिलेंड्रिकल शेप में होता है, सिंगल सॉलिड डाइलेक्ट्रिक होता है सिलेंड्रिकल शेप में। तो यहाँ पर जो कोर है वो सॉलिड है, सर्कुलर सॉलिड है कोर है, और द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर इज N1 एंड द रेडियस इज a, जिसकी रेडियस a है। द कोर इज सराउंडेड बाई क्लैडिंग हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज N2। जो कोर है वो चारों ओर से एक लेयर बन से क्लैडिंग से ढकी हुई है, जिसे हम क्लैडिंग बोलते हैं, यानी कोर के ऊपर एक लेयर और होती है जिसे क्लैडिंग कहा जाता है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग इज N2। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज N1 एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज N2। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग, दैट मीन्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। तो कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग से ज़्यादा होती है। सो दिस इज द बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। इसमें देखें तो आप सबसे पहले, हमें जो ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये दिस इज़ दी कोर।
ये सबसे इनर पार्ट होता है ऑप्टिकल फाइबर का, सबसे आंतरिक हिस्सा होता है एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में, जो ग्लास या प्लास्टिक मटेरियल से बना होता है, जिसे हम कोर बोलते हैं। और द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज N1 एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग इज N2। और इस कोर को हमने चारों ओर से एक मटेरियल से, जिसे जो प्लास्टिक या ग्लास हो सकती है, उससे हमने इसे ढका हुआ है, यानी एक तरह से इसके ऊपर एक लेयर और होती है जिसे हम क्लैडिंग बोलते हैं। और इन दोनों के ऊपर एक लास्ट में जो थर्ड लेयर होती है, दैट इज़ कॉल्ड जैकेट, विच इज़ यूज फॉर द प्रोटेक्शन पर्पस। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर में तीन कंपोनेंट हो गए, कोर, क्लैडिंग एंड जैकेट, जिसमें कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नथिंग, इट्स अ सिंपली द रेशियो ऑफ, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो इट इज़ द नथिंग, इट्स अ रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, क्योंकि दोनों ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही लाइट की स्पीड है, तो इसकी यूनिट तो होती नहीं, यूनिटलेस है, लेकिन इट इज़ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी कि एक तो लाइट की स्पीड वैक्यूम में है और एक लाइट की स्पीड मीडियम है, इन दोनों का अगर हम रेशियो ले लें तो दैट विल गिव यू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 और N2 है, तो N1 इज़ ग्रेटर देन N2। देन दिस इज़ द एडवांस्ड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। जब एडवांस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर में हमारे पास कोर था, वो कोर यहाँ पर भी अवेलेबल है, कोर के ऊपर जो सेकेंड लेयर थी दैट इज़ क्लैडिंग, क्लैडिंग के ऊपर हम यहाँ पर दो कोटिंग और लगा देते हैं, जिसे हम बफर बोलते हैं, प्राइमरी बफर एंड सेकेंडरी बफर, इसके ऊपर एक और लेयर होती है दैट इज़ कॉल्ड बफर, उसके ऊपर बफर के ऊपर एक सेकेंडरी बफर, देन हम एक स्ट्रेंथ मेंबर लगा देते हैं बफर के ऊपर और उसके ऊपर आउटर जैकेट। तो जो जैकेट होती है वो ऑप्टिकल फाइबर का सबसे बाहरी हिस्सा होती है और कोर सबसे अंदर का हिस्सा होता है, इसके बीच में क्लैडिंग, बफर्स और स्ट्रेंथ मेंबर लगा के इसे एडवांस्ड बनाया जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्टली जो यूज़ होती है वो बेसिक स्ट्रक्चर यूज़ होता है और सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में, तो ये एडवांस्ड स्ट्रक्चर है। तो अगर एग्जाम में आपसे ऑप्टिकल फाइबर का स्ट्रक्चर पूछा जाता है तो आप ये बेसिक वाला स्ट्रक्चर ही एक्सप्लेन करें, दैट इज़ सफिशियंट, ये एडवांस स्ट्रक्चर है, दिस इज़ फॉर नॉलेज सेक, आपकी जानकारी के लिए बता दिया जा रहा है। ऑल्दो क्लैडिंग इज़ नॉट नेसेसरी फॉर प्रोपगेशन ऑफ लाइट बट इट इज़ यूज फॉर दी फॉलोइंग रीज़न, जैसे कि हमने कहा कोर जो है वो ऑप्टिकल फाइबर का सबसे अंदर का हिस्सा होता है और जो लाइट का प्रोपोगेशन है वो कोर के अंदर होता है। देर इज़ नो रोल ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इन टू द क्लैडिंग, क्लैडिंग का कोई रोल नहीं होता है लाइट के प्रोपोगेशन में, लेकिन फिर भी हम क्लैडिंग को यूज़ करते हैं, जिसके रीज़न ये है कि इट रिड्यूस स्कैटरिंग लॉस विच इज़ ड्यू टू डायलैक्ट्रिक डिसकॉन्टिन्यूटी एज कोर सरफेस, यानी ये क्या करता है, अगर हम क्लैडिंग को यूज़ करते हैं कोर के ऊपर तो ये स्कैटरिंग लॉस को रिड्यूस करता है। स्कैटरिंग लॉस क्या होता है? जब कोई भी रेज या जब कोई भी वेव कोर के अंदर प्रोपगेट कर रही है तो वो कोर से बाहर ना जाए, स्कैटरिंग यानी वो फैले ना चारों ओर को, तो स्कैटरिंग जो लॉस होता है उस लॉस को ये रिड्यूस करता है, जो कि डाइलेक्ट्रिक डिसकंटिन्यूटीज की वजह से होता है, यानी कोर जो जिस डाइलेक्ट्रिक से बनी हुई है वो डाइलेक्ट्रिक हरेक जो डाइलेक्ट्रिक की जो सरफेस है उस सरफेस पर सभी जगह पर जो डायलैक्ट्रिक है वो एक जैसा नहीं होता, उसकी डिसकंटिन्यूटीज होती हैं, जिसकी वजह से कोर पर एक कोर सरफेस पर एक स्कैटरिंग लॉस होता है, उसको ये डायलैक्ट्रिक क्या है रिड्यूस करता है। इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द फाइबर, दूसरा ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है फाइबर को, यानी फाइबर को एक दृढ़ता प्रदान करता है, ये दूसरा रीज़न होता है। इन स्टैंडर्ड ऑप्टिकल फाइबर कोर मटेरियल इज मेड विद हाईली प्योर सिल्का ग्लास, जो स्टैंडर्ड ग्लास जो फाइबर होती है हमारे पास उसमें जो कोर है वो प्योर सिल्का ग्लास से बना होता है एंड क्लैडिंग इज मेड विद द ग्लास, तो दोनों जो है ग्लास से बने हैं लेकिन दोनों की क्वालिटीज़ प्रॉपर्टी जो है मटेरियल की वो डिफरेंट है, दोनों की जो प्रॉपर्टी है डायलैक्ट्रिक मटेरियल की वो दोनों की डिफरेंट है, एक प्योर सिल्का ग्लास से बना हुआ है कोर और जो क्लैडिंग है वो ग्लास से बना है। प्लास्टिक कोर एंड क्लैडिंग फाइबर ऑल्सो इन यूज बट दे हैव मोर लॉस, यानी कि प्लास्टिक जैसे हमने कहा ना कि जो कोर है वो प्लास्टिक से भी बनाई जा सकती है और ग्लास से भी बनती है, जिसमें ग्लास में वो हम उसे प्योर सिल्का ग्लास से बनाते हैं लेकिन हम उस कोर को प्लास्टिक से भी बना सकते हैं, और क्लैडिंग दोनों को मतलब प्लास्टिक से बनाया जा सकता है
लेकिन अगर हम प्लास्टिक से इनको बनाते हैं तो उसमें लॉसेस ज़्यादा होते हैं। नाउ वी कम्स ऑन द यूजेस ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स विच इज़ यूज इन टू द ऑप्टिकल फाइबर। तो सबसे पहले जैसे हमने बताया कोर सबसे अंदर का हिस्सा होता है, सबसे अंदर का पार्ट होता है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। द कोर इज़ द इनर मोस्ट पार्ट दैट इज़ मेड आउट ऑफ ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। यानी कोर जो है ऑप्टिकल फाइबर का सबसे आंतरिक हिस्सा होता है जो ग्लास से या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से बनाया जाता है। इट इज़ एक्सट्रीमली थिन, बहुत पतला होता है, फ्लैक्सीबल रहता है एंड हैज़ अ सिलेंड्रिकल शेप, और इसकी जो शेप है वो सिलेंड्रिकल होती है। इट इज़ सोल पर्पज़ इज़ टू कीप ऑल दी लाइट विद इन इट सेल्फ। जो मेन पर्पज़ होता है कोर का वो लाइट को इसको अपने अंदर बनाए रखना, या एक तरह से लाइट को कन्फाइन करना है, अपने अंदर बना के रखना। एंड ऑल्सो टू गाइड द लाइट इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू इट्स एक्सिस। तो कोर का जो काम क्या हो गया, एक तो लाइट को अपने अंदर बनाए रखना, प्लस उसको प्रोपोगेट करने में, अपनी एक्सिस के पैरेलल में उसके प्रोपोगेट करने के लिए उसको गाइड करना है। यानी कि जब वो जो अपनी एक्सिस है उसकी एक्सिस के पैरेलल में वो प्रोपोगेट करती है, तो उसके लिए इसे गाइड करती है। सिंस इट इज़ द प्राइमरी कैरियर एंड गाइड ऑफ द लाइट वेव्स, इट कैन बी कॉल्ड एन ऑप्टिकल वेव गाइड। क्योंकि एक प्राइमरी कैरियर है, प्राइमरी कैरियर मतलब जो लाइट को कैरी करता है, एंड गाइड दी ऑफ द लाइट वेव, तो लाइट वेव को गाइड भी करता है, बिकॉज अपने अंदर उसे प्रोपोगेट करने के लिए गाइड करता है, तो इसे वेव गाइड भी बोलते हैं। बेसिकली इट कैन बी कॉल्ड एन ऑप्टिकल वेव गाइड, इसीलिए क्योंकि लाइट को गाइड करता है, ऑप्टिकल वेव को गाइड करता है, तो इसे ऑप्टिकल वेव गाइड बोलते हैं। बाई द सेम टोकन इट्स स्ट्रक्चर अफेक्ट्स द ट्रांसमिशन ऑफ द लाइट, हैंस ऑल द डेटा दैट इज बींग ट्रांसफर्ड विल हैव इट्स ट्रांसमिशन पैरामीटर प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेगमेंट ऑफ दी फाइबर ऑप्टिक्स। यानी कि जब हम लाइट का प्रोपगेशन करते हैं ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, तो क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर कोर के अंदर प्रोपगेट करता है, तो इसीलिए बेसिकली इसका जो ट्रांसमिशन है इसका लाइट का, वो ट्रांसमिशन पैरामीटर और लाइट इस स्ट्रक्चर की कोर की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है। उसके बाद सेकेंड जो कंपोनेंट था दैट वॉज क्लैडिंग। द क्लैडिंग इज द सेकेंड लेयर ऑन टॉप ऑफ द कोर। कोर के टॉप पर दूसरी जो लेयर होती है वो क्लैडिंग कहलाती है। इट इज़ ऑल्सो मेड ऑफ ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। इसको हम ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से बनाते हैं, बट विद अ डिफरेंट मटीरियल सो दैट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लैडिंग इज लोअर देन दैट ऑफ द कोर। यानी इसे हम कोर की जो मटीरियल है, जो कोर को भी हम ग्लास और प्लास्टिक से बना सकते हैं, तो कोर की जो मटीरियल है उस मटीरियल से, डिफरेंट मटीरियल से हम क्लैडिंग को बनाते हैं, बिकॉज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लैडिंग इज लेस लोअर देन दैट ऑफ द कोर। जैसे हमने बताया था N1 इज़ ग्रेटर देन N2, जिसमें N1 कोर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा है और क्लैडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। टू अंडरस्टैंड द नीड फॉर अ सेकेंडरी लेयर मेड आउट ऑफ डिफरेंट मटेरियल, वी विल रीविजिट अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट प्रोपोगेशन फ्रॉम द रे थ्योरी ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन। यानी कि हम अगर बात करें टू अंडरस्टैंड द नीड फॉर सेकेंडरी लेयर, जो दूसरी लेयर हम एज ए क्लैडिंग हम यूज़ कर रहे हैं By the different material, दूसरी material से हम इसे बनाते हैं, यानी glass या plastic से बना रहे हैं, और core भी आपकी glass या plastic से बनी है, लेकिन वो उसकी जो properties हैं वो उससे different है, क्योंकि refractive index इसका कम रहता है। तो इसके लिए हमें revisit करना होगा basic concept of light, light का basic concept, light के propagation का, जिसमें हमने refraction और reflections का अध्ययन किया था। तो वहाँ पर उस properties की वजह से हम इसको different material का use करते हैं। तो whenever we'll again in the next session we will discuss the ray concept theory, then it we will also discuss this concept of refractive index of the different materials. When light from a medium with a high refractive index goes to a medium with a low refractive index, it moves away from the normal at the point of crossover. जब light एक medium से जब दूसरे medium में cross enter करती है, तो जब वो high refractive index वाले medium से, high का मतलब है high refractive index medium, और low refractive index medium का मतलब high refractive index medium जो है वो denser कहलाता है, और low refractive index वाला medium rare कहलाता है, जिसे हम हिंदी में सघन और विरल कहते हैं। तो जब कोई भी रेज सघन medium से विरल medium में या denser से rare में आती है, तो वो अपने normal से जो axis है उससे दूर हट जाती है, क्रॉसओवर पे आके। उसके बाद थर्ड जो कंपोनेंट था वो था दैट वाज जैकेट। द जैकेट एग्जिस्ट प्योरली फॉर प्रोटेक्शन द कोर एंड द क्लैडिंग। यानी जो जैकेट का जो यूज है वो प्योरली कोर और क्लैडिंग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए है।
उसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इट इज़ मेड अप ऑफ फ्लेक्सिबल एंड एब्रेशन रेजिस्टेंस वेराइटीज ऑफ प्लास्टिक, यानी कि डिफरेंट रेजिस्टेंस वेराइटीज ऑफ प्लास्टिक से इसे बनाया जाता है जो फ्लेक्सिबल भी रहता है। यूजुअली द जैकेट हैज़ अनदर लेयर बीनीथ इट कॉल्ड अ बफर। जैसे हमने एडवांस्ड स्ट्रक्चर जो ऑप्टिकल फाइबर का बताया था उसके अंदर हमने बताया था कि क्लैडिंग के ऊपर भी हम एक लेयर लगाते हैं जिसे हम बफर बोलते हैं। अगर हम उसे दो बफर लगा दें तो ये तो एक को प्राइमरी बफर दूसरे को सेकेंडरी बफर बोलते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ कह रहे हैं कि हमने जो आपका जैकेट है उस जैकेट के नीचे भी एक लेयर लगाया जिसे हम बफर बोल रहे हैं। द बफर एंड द जैकेट टुगेदर प्रोटेक्ट द ऑप्टिकल फाइबर फ्रॉम एनवायरमेंट एंड प्लास्टिक डैमेज। तो हमें जितना एडवांस्ड ऑप्टिकल फाइबर बनाना है वो फिजिकल डैमेज से और एनवायरमेंटल जो कंडीशंस हैं उनसे बचाव के लिए हम जैकेट और बफर का यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिस और नीचे बने बेल आइकन्स को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त होते हैं। धन्यवाद।